अर्चना जी, एंटरटेनमेंट बोले तो सिनेमा, यस, और स्पेशली अगर हम बात करें हॉलीवुड और बॉलीवुड की, इतना फर्क है उनके और हमारे काम करने के तरीके में। आप सब जानते हैं, आप सब देखते होंगे, हमारी फिल्मों की जो कहानी होती है इसमें मेन फोकस होता है कि हीरो हीरोइन का प्यार कैसे हो, है ना, और उसके बाद लास्ट में अगर डायरेक्टर थोड़ा सा बोल्ड हो, हीरोइन भी मान जाए, सब कुछ ठीक हो, तो एक आध किस, मतलब आजकल दिखा देते हैं, अदरवाइज पहले तो पुरानी फिल्मों में तो फूल मिलते दिखा देते थे, है ना, वो पीले वाले फूल। मैं बचपन में सोचता रहता था कि दो फूल मिल रहे हैं, इंसान का बच्चा कैसे हो रहा है। उसके बाद ये थोड़ा सा एडवांस हुए ना, उसके बाद हमारी फिल्म में तो हीरो हीरोइन के ना फेस ऐसे पास मिलते दिखा देते थे, नजदीक वहीं पे बंद, फिर ऑडियंस जो है बाकी फ्रस्ट्रेशन घर जाके निकालती थी। ऐसे ही हम 125 करोड़ नहीं हो गए। अच्छा, इंग्लिश फिल्म में देख लो, इंग्लिश फिल्म में वो इस चीज को इतना बॉदर नहीं करते, एक किसिंग किसी उनके लिए नॉर्मल है, वो तो ऑफिस जा रहा है, ओके आई एम लीविंग फॉर ऑफिस, तो निकल जाते हैं। हमारे अब तो खैर इतना सारा एक्सपोजर हो गया, मतलब इतनी सारी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मतलब माहौल बदल चुका है अभी। पहले पहले तो कुछ एक दो ही इंग्लिश फिल्में पहुंच पाती थी हिंदुस्तान में देखने के लिए, और वो भी जो देखने जाते थे जरूरी नहीं कि उनको उनकी इंग्लिश आती थी, उल्टा जब वो देख के आते उनके दोस्त पूछते थे है कुछ फिल्म है कुछ। कहानी से कोई लेना देना नहीं। आजकल तो हमारी जो फिल्मों में जो हीरोइन है वो भी बोल्ड हो गई है, मतलब कहानी की ऐसी आती है, आपने लुका छिपी देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, उसमें लड़की खुद बोलती है मुझे लिव इन करना है, लिव इन रिलेशनशिप, बोल ऐसे कॉन्फिडेंस से रही जैसे एमबीए करना है, पापा मुझे एमबीए करना है। पहले बॉलीवुड में हीरोइन बड़ी लाज शर्म वाली होती थी अर्चना जी, जब लड़की का सीन होता था ना शादी वाला, जो लड़का देखने आते थे तो हीरोइन खंबे के पीछे छुप के सुनती रहती थी, और शर्म के मारे में ना 1.5 मीटर दुपट्टा चबा जाती थी अपना, है ना, और जैसे ही माँ बाप की नजर पड़ती थी लड़की शर्मा के भाग जाती थी। तो एक लड़की का बाप जो होता था वो मिन्नत वाले मुंह वाला जो है ना होता था ना, उसका एक ही डायलॉग होता था, लगता है राधा बिटिया शर्मा गई। अच्छा, लड़की का बाप बाद बाद में पगड़ी भी उतार देता था, क्योंकि वो होता था ना सीन, अरे आपने जो वादा किया था उतना दहेज हमें दिया नहीं, मेरी पगड़ी आपके पैरों में है हजूर, हजूर दाम में हमारी नाक कट जाएगी। अच्छा, वो इतना भोला होता था ना वो आदमी, उसको देख के लगता ही नहीं था कि इसने बच्चे भी पैदा किए होंगे, मतलब बायोपिक का समय चल रहा है आजकल, आप देखो बहुत सारी बायोपिक्स बनी है, मैरी कॉम के ऊपर बनी है, MS धोनी के ऊपर बनी है, मिल्खा सिंह के ऊपर बनी है, और ये लोग परमिशन भी दे देते हैं, इनको पता है बॉलीवुड वाले जो डायरेक्टर हैं ये कम नहीं दिखाएंगे, जरूरत से थोड़ा ज्यादा ही दिखाएंगे। मिल्खा सिंह जी ने जब खुद अपनी बायोपिक देखी ना वो हैरान रह गए कि बाकी सब तो ठीक है, मैंने दौड़ के जो मेडल जीते, ये ऑस्ट्रेलिया जाके किसिंग वाला सीन मैंने कब किया था, वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने बोला कि यार मेरे को तो पता ही नहीं था ये सीन भी है, अगर ये होता तो मैं खुद ही कर लेता। हाँ, ये सीन मैं खुद ही कर लेता, मेरे घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम है, होठ तो मेरे ठीक ही है। खैर, अच्छी बात है, बननी भी चाहिए, हमारी जनरेशन को पता चले कि हमारे जो हीरोज हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया और ये सब जो अचीव किया। सो सैल्यूट मैरी कॉम, MS धोनी, मिल्खा सिंह जी, वी लव यू। आपने देखा होगा हॉलीवुड और बॉलीवुड की जो जासूसी वाली फिल्में होती है ना, इनके जासूस भी बड़े अलग होते हैं। हॉलीवुड के जासूस होते हैं ना सूट बूट पहना, जेम्स बॉन्ड टाइप, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड 007। हमारे जासूस देखना भिखारी बन के जासूसी कर रहे होते है ना, उनके जासूस बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनके अफेयर चल रहे हैं लड़कियों के साथ, हमारे जासूस ना विलन के अड्डे के बाहर ना नारियल पानी का ठेला लगा लेते हैं, साथ में नारियल रगड़ रहे हैं, फिर तरबूज काटेंगे उसमें से बॉकेट आ गई, राका निकल गया है, उसकी बात मानने का भी नहीं दिल करता, अच्छा निकल गया होगा चल। जब हॉलीवुड में जब हीरो जो है विलन के अड्डे पे जाता ना गुंडों को मारने, उसकी बंदूक के ऊपर वो लगा रहता है बिल्कुल साइलेंसर, साइलेंसर वाला भी होता है, दूरबीन भी होती है, फिर भी निशाना लगा के पूरा टारगेट देखता तब जाके गोली मारता है। आप हमारा हीरो देखना, एक तो पहली गल 6 गोलियों वाला पिस्तौल है, उसमें से 25-30 चला देता है, वो पता ही नहीं कैसे चला देता है, और इतना बड़ा अड्डा कहीं से भी गोली चला, डिश्क्यों डिश्क्यों मचान से लोग करे डिश्क्यों, वो 50 गोलियां चला रहे हैं 50 लोग एक साथ, इनको एक भी नहीं लगती, जैसे गोली चला डिश्क्यों ऐसे तेरे को दिख रहा है गोली आ रही है, ऐसे कैसे कोई गोली से बच सकता है, अगर गोली आ इधर रही हो तेरे इधर लग जाए तो,
लेकिन इनको एक भी गोली लगती क्योंकि हाँ। इनके पास माँ का आशीर्वाद होता है। वाह। और हाँ। और आपको पता है बॉलीवुड में माँ का आशीर्वाद बुलेट प्रूफ जैकेट से भी ज्यादा मजबूत है, उसको कुछ नहीं हो सकता। माँ से याद आया, दुश्मन के अड्डे पे जब हमारी फिल्म में माँ बंधी होती है ना ऐसे करके, माँ को बांध रखा होता है सब। माँ जरूर ऐसा, तुझे पता तेरे बेटे की दुश्मनी चल रही है, तुझे भी उठाने आ सकते, तू दो चार दिन इधर उधर हो जा, है ना, इधर उधर हो जा। और हीरो जब आता है ना उसकी माँ बंधी हुई रस्सियों के साथ, पता नहीं कौन सी उसके बाप वाली गोली चलाता है, ये रस्सियां तोड़ देता, इसके आओ, माँ भी छूट जाती है ना। ये कभी नहीं होता कि एक गोली गलती से माँ को लग जाए, तेरा बेटा कर ये क्या कर दिया, ऐसा भी कभी नहीं होता। हॉलीवुड में देखना आप कभी भी हीरो जब विलन को मारता है ज्यादा डायलॉगबाजी नहीं करते, वो सीधा आते हैं, ओ सही है था, बस खत्म। हमारे आते भी हैं, उसके पास भी पिस्तौल है, अपने पूरा डिबेट होता है इनका, कॉन्वर्सेशन होती है इनकी, इनको पता है कि अभी इनकी आपस में सलाह हुई होती कि अभी गोली नहीं चलाएंगे, हमारा पूरा रिलैक्स होके आते हैं, जैसे हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन तब मारेंगे जब बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। सामने वाला बोलता है, रोल भी आपने दिलाया, जैसे आप बोलो मारो आप, कोई चक्कर नहीं है, घर पे आ जाऊंगा। हमारे यहाँ डायलॉग बोलने का इतना शौक है ना, मरते मरते भी ना अपना डायलॉग पूरा करके जाते हैं। गलती से हीरो की माँ को गोली लगी ना, पूरा डायलॉग बोल के बेटा, हीरो चिल्ला रहा है, अरे कोई है, अरे कोई डॉक्टर, माँ बोली बेटा मेरा जाने का समय आ गया है, बेटा अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना, और जाते जाते तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ बेटा, तुम्हारे बाप का कातिल हाँ माँ, कौन माँ, बेटा तुम्हारे बाप का कातिल जेके है। जेके। जो फालतू की बातें सारी माँ करके गई है, ये बात बहन का रखे गई, बहन का ध्यान, वो उसकी बहन है, तू पहले तुझे पता गोली लग गई मरना है, मेन मुद्दे की बात बता कि बेटा तुम्हारे बाप का कातिल जेके, जेके के बाद बोल बेटी वाली लाइन कि बेटा जेके तो हो गया, बहन का भी ध्यान रखना, ऐसे मरना तू, इंपॉर्टेंट बात, फालतू टाइम वेस्ट। और माँ भी बाद में फिर निकल, अच्छा माँ भी बड़ा जीपीएस लगा होता है उसके दिमाग में भी, जैसे एम्बुलेंस पहुंचती खटाक खत्म। माँ को भी होता है मैं मरूं फिल्म खत्म हो, अगली फिल्म में आइटम डांसर बन के आऊं, क्या क्या रखा है इसमें। अच्छा हॉलीवुड की फिल्मों में ना कार चेजिंग के जो शॉट्स होते हैं वो पहले आउटडोर शूट करते हैं कि एक कार जा रही है उसके पीछे चेस कर रहे हैं, शुँ, शुँ, ये सब चलता है। हमारे यहाँ पे नहीं, अभी जाके शुरू हुआ है, पहले नहीं होता था इतना एक्शन, पहले होता था, पहले ना शूट करके रख लेते थे, पेड़ निकल रहे हैं और सड़कें पीछे पीछे फटाफट निकलती नहीं है। आपने तो उस दौर की फिल्में की भी है। अच्छा हीरो हीरोइन बैठे हुए और म्यूजिक पेट होता था जो बता, डंग 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 डंग। अच्छा पीछे से पेड़ तेज हो रहे हैं, पेड़ों की स्पीड ज्यादा है, तो हीरोइन बोलती थी और तेज चलाओ और तेज, वो आ गए हैं। अच्छा तेज कैसे जाता था, एक्सीलेटर नहीं दबा, स्टीयरिंग ऐसे से करता। अच्छा ये इससे कार तेज होती है, कार सीधी जा रही है, वो कहती और तेज, स्टीयरिंग के पास मुंह लेता था। अच्छा कमाल है। हॉलीवुड के टीवी सीरियल और हमारे बड़ा फर्क है, उनका बजट ना टीवी सीरियल का भी काफी रहता है। वो क्या करते हैं, अगर 400 आदमी की जरूरत है क्राउड का सीन शूट करना है तो 400 लोग लेके आते हैं, 450 लेके आएंगे, हमारे इधर 100 से काम चला लेते हैं। सपोज मुगलों की और राजपूतों का युद्ध दिखाना है, तो पहले वो आदमी जो मुगलों की तरफ से लड़ रहा है वही बाघ राजपूतों की तरफ से लड़ रहा है, बदल के। हाँ कई बार तो ऐसा होता है किसी क्लोजअप लग जाता ना किसी का, तो ए हटा इसको, तीन बार मुगलों की तरफ से मर चुका है, एक बार राजपूतों की तरफ से मर चुका है, ऐसा होता है। हॉलीवुड में देखना अगर आप लड़ाई का सीन चल रहा है ना, 5,000 बंदा लड़ रहा है, तो जो बिल्कुल लास्ट में है वो भी उतनी शिद्दत से लड़ रहा है पूरा, है ना। हमारे इधर अपने वाले लोगों अपने शाने हैं, इनको पता है कि मेन फोकस तो आगे वाले लोगों पे ही है, तो वो पीछे अपना वो अपने इंजॉय कर रहे होते हैं, जूनियर आर्टिस्ट एक दूसरे को जानते होते हैं, अपनी नाभि खुजाते हुए लड़ रहे हैं, ए नाभि खुजाते तलवार ली हुई हाथ में, ए तेरे को सना मिली थी क्या लोकल ट्रेन में। दूसरा वाला भी लड़ रहा है जो पीछे जूनियर आर्टिस्ट, अरे क्या उसका बाप मेरे को क्या बोल रहा था, ऐसे ही वो उनका अपना चल रहा है पीछे। फिल्में जो हैं हमारे जीवन पे बड़ा प्रभाव डालती हैं, हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो हमने कभी कभी फिल्मों में देखी होती हैं,
भले वो हेयर स्टाइल हो या कपड़ों का स्टाइल हो, मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपने कभी फिल्मों से प्रभावित होकर कभी कुछ ऐसा अपनी लाइफ में किया है? जी यस ब्रदर, क्या नाम है आपका? सर नाम है सैफान कुरैशी। ओके, अलीराजपुर मध्य प्रदेश से। पिन कोड क्या है? 4578877। जी कुरैशी साहब, तो आपके क्या विचार हैं इस बारे में? सर आदित्य रॉय जो कपूर है, आरजे आदित्य रॉय जो कपूर नहीं, आदित्य रॉय कपूर ही है। आदित्य रॉय कपूर, हाँ जी जी, आशिकी 2 में उनका जो सीन, जो उनका कैरेक्टर, जी जी, वो हमने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए प्ले किया था। अरे वाह, वो इम्प्रेस नहीं हो रही थी इसके, उसके बाद हो गई। तो उसके बाद तो फिर सर सुनिए ना उसको। किसको सुनूं? सीन को देखिए ना। अच्छा, आपकी बात। हाँ प्लीज जी। वहाँ पर हम उनके घर पे रात में गए चोरी छुपके से। अच्छा, हाँ ऊपर से चढ़े। कहाँ चढ़े ऊपर से? मतलब सर छत पे चढ़े, किचन में कूद गए डायरेक्ट। अच्छा तो फिर वहाँ चढ़े, पाल के ऊपर बैठ गए। पाल क्या होता है? पाल एक वो दीवाल बनी होगी, दीवाल। अच्छा अच्छा, उसके ऊपर बैठ गए बोतल लेकर। बोतल भी नकली होगी, उसमें जूस भरा हुआ था। अच्छा, लेकिन अच्छा। उसके सामने सर वो ड्रिंक थी। अच्छा, अच्छा। उसको हमने ऐसा नहीं होने दिया कि ये नकली है, ये ये असली है। वाह, आपको तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना चाहिए आपने। अच्छा फिर उसके बाद सर फिर वो हमने एक किया उसको पीते पीते, और बताया कि आज या तो हम इसे छोड़ देंगे या फिर देखो हम छोड़ दे। ये तो सेम ही बात हुई, इसको हम छोड़ देंगे बोतल। अच्छा, या तो दारू छोड़ देंगे या तुम्हें, या तो फिर तुम्हें छोड़ देंगे। तो फिर उसके बाद सर उन्होंने फिर हमके नीचे बुलाया और हम गले लगा लिया। हैप्पी एंडिंग। चलिए शुक्रिया कुरैशी साहब, धन्यवाद आपका। ठीक है, और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। सर काफी सारी मूवीज तो रियल लाइफ पे बनती है, पर मेरी लाइफ का घटना पहले हुई और मूवी बाद में बनी है। अच्छा जी, तो सैराट मूवी जो हुई है, आई सैराट, तो आई एम द रियल लाइफ आर्ची। अच्छा जी, लड़का लेके भागी थी। वाह क्या बात है। बकायदा गाड़ी में बिठा के लड़के को भगा के पंडित के यहाँ लेके गई है, शादी करवाओ। वाह, पर जबरदस्ती? नहीं जबरदस्ती नहीं, झगड़ा हो गया था, अभी 4 साल हो गए, तू बहुत टाइम पास कर रही, शादी कब करेगी? बोले चल निकलते। शादी वादी कर ली, पंडित जी भी फेरे वगैरह सब करवाए, उनको जल्दी करो जल्दी, मैडम इतनी जल्दी क्यों, ऑफिस भी जाना है। तो कहाँ की रहने वाली हैं आप मैम? नासिक से। अच्छा नासिक से हैं। हस्बैंड आए आपके साथ में? नहीं सर, वो घर पे बच्चे संभाले। तो ये कितने साल पहले की बात है? सर जाने दो ना, अभी क्यों याद दिलाते। पर एक्चुअली जो आपने कहा कि मेरी लाइफ में जो हुआ उस पर फिल्म अभी बनी है, लेकिन हाँ उसमें सर आर्ची का नाम अर्चना पाटिल होता है, मेरा नाम माधुरी पाटिल है। अच्छा जी। क्या बात है पाटिल साहब। मैं भी बुलेट वुलेट चलाती थी, ट्रैक्टर ट्रक सब चला लेती हूँ। अच्छा जी। वाह क्या बात है। ये जो फिल्में होती हैं ये एक्चुअली तो रियल लाइफ में से इंसिडेंट होते हैं, उन्हीं में से बनती हैं। लड़का लड़की को प्यार होता है, फिर कोई ना कोई विलेन होता है लाइफ में। पर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी जी भाई साहब। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। कहाँ से हैं सर आप? राजीव कुमार, और मैं चंडीगढ़ से हूँ सर। अच्छा जी। हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जो गाने हैं अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। अच्छा जी। कुछ गाने इतना एक्सपायर करते हैं कि क्या करते हैं, एक्सपायर करते हैं? नहीं नहीं, एक्सपायर नहीं, एक्सपायर। मैं आपको देख के बहुत कंफ्यूज हो गया मेरा। नहीं नहीं नहीं, बहुत पुराना ड्रीम था जो आज पे आपके सामने। सो स्वीट यार, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग ऐसे टाइम पास करते रहते हैं, ये होता है कंफ्यूज, अपना लगा हुआ ना ऐसे फोकस रहने का लाइफ में। कोई लेना देना नहीं इस आदमी को। इतना इंस्पायर करते हैं कि तो फिर मेरी जिंदगी में मैं ऐसे गाना सुनता हूँ जो एक मैं सलमान खान जी को लाइक करता हूँ। मैं मुंबई में, मेरा सेकंड डे है। अच्छा। हाँ जी, मैं कल ही मुंबई आया हूँ घूमने, आया हूँ साइकिल से, आया हूँ साइकिल से आया। yes. अच्छा, तभी इतने पतले हो। मेरा साइकिलिंग इज माई हॉबी। मैं साइकिल जो है वो आम नहीं है, मैंने खुद तैयार की है। साइकिल भी खुद बनाई है? यस। वाह यार क्या बात है। मेरा लिम्का बुक इंडिया बुक और यूनिक वर्ल्ड का नाम इंटर हो चुका है। जॉनी क्रिएशंस, लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर, इंडिया बुक रिकॉर्ड होल्डर, वाह चंडीगढ़। साइकिल भी आपने खुद बनाई, लाइट भी है साइकिल में, ये देखिए आप। थैंक यू यार। यार ये आपने इतनी अच्छी बात करी ना, साइकिल ना लुप्त होती जा रही है। हाँ। साइकिलिंग करना इतनी अच्छी बात है,
मतलब अगर आपको, मतलब मैं खुद शुरू करने वाला हूँ, मुझे ये लगता है कि अगर घर से अपने फिल्म सिटी आना है शूट करने, तो साइकिल पे आऊं। चल मैं मडालेन से आऊंगी और तू अपने घर से आना। हाँ, आप तो सदियों से साइकिल पे ही आ रही हैं। नहीं नहीं, वो अच्छी बात है, घर से ऑफिस तक आना। आप चंडीगढ़ से आ गए यहाँ तक। यस सर। पर क्या मतलब, क्या मकसद था आपका उसके पीछे? सर मुझे एक तो आपके शो में आना था। सो स्वीट, थैंक यू। एक एम ये भी था मेरा, जो मैसेज हम आपको बताने लेके आए, अभी साइकिल टू वर्क सेफ एनवायरनमेंट, हम बच्चों से कहते हैं, बच्चे साइकिल यूज करने में आजकल शेम समझते हैं जी, और बड़ों से भी ये अपील करते हैं कि कम से कम हफ्ते में एक दिन जो है अपने व्हीकल छोड़ के साइकिल पे जाएं। बहुत बढ़िया, पोल्यूशन कंट्रोल रहेगा और उनकी हेल्थ बेस्ट रहेगी। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा ब्रदर आपसे मिलके यार। थैंक यू। बात आपने बड़ी अच्छी की है कि साइकिल चलाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। साइकिलिंग जो है बहुत अच्छी चीज़ है।